गुलाम महबूब खान साहब, आपने ये 10,000 स्क्वायर फीट मस्जिद ज़ैनब के लिए डोनेट की थी। 8,500 स्क्वायर फीट। 8,500 स्क्वायर फीट। तो आज से ये मस्जिद मतलब यहाँ से शुरू हो चुकी है, यहाँ नमाज पढ़ना। जी हाँ, ये मैंने 4 पर्पज़ के लिए दिया है। ये 2 प्लॉट्स है, इसमें 8,500 फीट टोटल मिला के है, लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि पहले मस्जिद, बाजू के प्लॉट पर मदरसा, स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज या हॉस्पिटल, इसके 4 पर्पज़ है। ये प्लॉट का जो यूज़ होगा ज़र एहतमाम दारुल अमजदिया के थ्रू होगा, और वो जैसे प्लान करेंगे उस हिसाब से ही इसका डेवलपमेंट होगा। पहले नमाज शुरू हो रही है और इंशाल्लाह आज की तारीख से शाम से शब बरात से नमाज़ें शुरू हो रही है, और रमज़ान में भी इंशाल्लाह यहाँ पर तरावी का पूरा अहतमाम रहेगा, और इमाम साहब भी मुकर्रर कर लिए गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर मुफ्ती महाराष्ट्र तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी इजाज़त दे दी है, और माशाल्लाह इस इलाके के तमाम सुन्नी लोगों के लिए बड़ी खुशी का मौका है, और रमज़ान शरीफ में सारा इंतज़ाम यहीं पर होगा नमाज का इंशाल्लाह। सादिक खान साहब, आपसे सवाल करना चाहेंगे, तो यहाँ पे स्कूल भी शायद कहाँ कायम किया जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है? स्कूल होगा, मदरसा होगा, स्कूल होगा, और जैसा मस्जिद वगैरह जैसा खान साहब ने अभी बोले हैं, बस उस टाइप से पूरे काम को अंजाम दिया जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये नहायत खुशी का मौका है कि आली जनाब ग़ुलाम महबूब खान साहब ने अपनी ये 8,500 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है कौम मुस्लिम के लिए खाना खुदा और हॉस्पिटल, स्कूल, मदरसा के लिए वक्फ की है। अल्लाह तबारक ताला जो अहले सरमाया हैं इस दौर में, उन्हें भी ऐसी जिगर, ऐसी हिम्मत, ऐसा हौसला और ऐसा खुलूस अता फरमाई, और इन्होंने इस ज़मीन को अलजामियतुर रज़विया दारुल उलूम अमजदिया के हवाले किया है। वहाँ से ही जो डायरेक्शन मिलेगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह तबारक ताला यहाँ पे मस्जिद, मदरसा, स्कूल और कॉलेज या हॉस्पिटल का अहतमाम किया जाएगा, और अहले मोहल्ला ने इस पर बहुत दिल खोल कर जो है मेहनत की है। इंशाल्लाह तबारक ताला उनकी मेहनतें ज़ाया नहीं होंगी, रब तबारक ताला उन्हें इसका अज्र दुनिया में भी अता फरमाएगा, और बाद मौत भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को उसका अज्र अता फरमाएगा। आज से यहाँ पर नमाज का अहतमाम हो चुका है, जैसा कि पंजगाना के लिए जो इमाम साहब मुकर्रर किए गए हैं वो हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद अजमल रज़ा साहब हैं, जो पंजगाना नमाज यहाँ पे पाबंदी के साथ में पढ़ाएंगे, और रमज़ान शरीफ में तरावी का भी बाकायदा अहतमाम होगा। जुमा वगैरह में भी तमाम इलाके के लोगों से गुजारिश की जाती है कि ये नई मस्जिद तामीर हो रही है, अगर आप अपने मरहूमीन के नाम से कुछ इसाले सवाब करना चाहते हैं तो आप देखिए, ये इतना बड़ा इलाका है, इसकी जो है तो अभी इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत जो है सरमाए की ज़रूरत होगी, तो जो लोग रमज़ान शरीफ में अगर अपने मरहूमीन के लिए अगर कुछ इसाले सवाब करना चाहते हैं तो वो बाग़ अशर मस्जिद ज़ैनब मैं आकर यहाँ के लोगों से रابطہ करके यहाँ पे जो है अपना इमदाद जो है पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये ज़ैनब मस्जिद की जो यहाँ नींव रखी गई थी, इसके पहले संगे बुनियाद का प्रोग्राम हुआ था, आज से माशाल्लाह यहाँ नमाज़ कायम हो गई है, आने वाले समय में यहाँ जुमा और तरावी और ईद की नमाज़ भी होंगी इंशाल्लाह। आधी जो ज़मीन है इसमें 8,500 स्क्वायर फीट में, आधी ज़मीन पर हम मस्जिद शुरू कर रहे हैं और आधी ज़मीन पर हम एजुकेशन के हिसाब से यह काम करने वाले हैं इंशाल्लाह आने वाले समय में। तो यह जो मतलब मदरसा, उसके साथ में और भी जो दिगर कौम के लिए जो एजुकेशन के लिए काम होते हैं, हम उसके अंदर में काम करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले समय में जब हम यह बिल्डिंग की तामीर करेंगे तो उसमें एक लाइब्रेरी, ऐसा विचार हमारा चल रहा है कि एक लाइब्रेरी के हिसाब से या जो बच्चे पिछड़े वर्ग के रहते हैं उनके लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए वो हम एक प्रेमाइसेस ऐसा बना रहे हैं कि मतलब उसके अंदर में वो अपनी आके लाइब्रेरी के हिसाब से अपनी पढ़ाई वगैरह कर सके, और उसमें फिर हम में वेबिनार, सेमिनार, इस प्रकार के उनके लिए इंशाल्लाह प्रोजेक्ट लाने वाले आने वाले समय में। तो बस हम यही चाहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमारी गैप से मदद फरमाए, बाकी यहाँ के आम लोगों की पब्लिक का भी सपोर्ट चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।